द ट्रिप टूर के दर्शकों का स्पीति टूर के समरी एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आइए इस टूर में क्या प्लस था और क्या माइनस था इसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं, ताकि आप सभी जब कभी भी इस टूर में आएं तो इन प्लस माइनस को ध्यान में रखें, ताकि आपका टूर भी अच्छे से पूर्ण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आपके बीच चिंतन करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा टूर स्पीति टूर के नाम से क्यों प्रसिद्ध है। हम सतलज के किनारे किनारे स्पीति नदी के संगम तट तक पहुँचकर उसके बाद से जो भी सफ़र होता है वो संगम प्लेस से नाको, टाबो, काजा होते हुए चंद्रताल और चंद्रताल से होते हुए अटल टनल तक स्पीति नदी का एक लंबा चौड़ा विस्तार है। यही रीजन है कि इस पूरे टूर का नाम ही स्पीति टूर है। और मुख्यालय जो लाहौल और स्पीति के नाम से है वो काजा में है। तो इस तरह से काजा लाहौल और स्पीति कमिश्नरी का मुख्यालय है, और काजा से ही सफ़र कुछ समय के लिए लाहौल स्पीति के टच में आता है कुंजुम पास तक। कुंजुम पास ये एक ऐसी जगह है जो लाहौल और स्पीति दो घाटियों को आपस में बांटती है। तो ये एक भौगोलिक संरचना पर हम अभी चिंतन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे आपसे। तो चलिए, जर्नी की शुरुआत हमने कहाँ से किया, कैसे किया, इस पर आइए थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो हमारे जर्नी की शुरुआत फागु से हुई, और फागु में हम लोग आकर वहीं पर हमारे जो ड्राइवर थे हंसराज जी, ये मंडी से इनको आना था। हम लोगों ने मंडी से इनको आने के लिए न्योता दिया था कि आप मंडी से आइए और फागु में हमें ज्वाइन करिए, और हम सभी का जो टूर था वो फागु से ही स्टार्ट हुआ। लेकिन फागु से हाटू माता का सफ़र हम लोगों ने तय किया, और नारकंडा से हमारा मुख्य सफ़र स्पीति टूर का स्टार्टअप हुआ है, जो आप सभी ने जी भर के सराहा और देखा भी है। स्पीति टूर के नज़ारे नारकंडा से इतने मार्वलस हैं, और आगे रक्षम डैम आएगा। रक्षम डैम से हमारा सफ़र लास्ट विलेज ऑफ इंडिया टूअर्ड्स चाइना बॉर्डर चिटकुल के लिए रास्ता कटता है, और वहाँ सतलज रिवर हमें छोड़ देती है, और बसपा नदी का हमारा साथ वहाँ से होता है। और इस तरह से चिटकुल विलेज, चाहे फर्स्ट विलेज बोलें या लास्ट विलेज बोलें, तो दिस इज ए फर्स्ट और लास्ट विलेज इन इंडिया टूअर्ड्स चाइना बॉर्डर। और वहाँ पर हम किन्नर कैलाश का साक्षात दर्शन किए, और ये जो किन्नर कैलाश की चोटियां हैं ये शिवलिंग के आकार की हैं,
और हिमाच्छादित चोटियों को देखकर मन अति प्रसन्न हुआ हमारा। और चिटकुल से फिर हम लोग वापस कल्पा के लिए आए। कल्पा भी अपने आप में मोक्ष दायिनी जगह है, जहाँ पर नारायण नागिनी टेम्पल अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है। और कल्पा से फिर हमारा सफ़र आगे बढ़ा, और सफ़र का आगे बढ़ना यूँ था कि सबसे पहले हम लोगों का जो मुख्य स्पॉट पड़ा वो सतलुज और स्पीति रिवर का संगम पॉइंट। इतना ज़बरदस्त पॉइंट था वो संगम का, और हर हर की आवाज़ और हवा का फ्लो, इसी साथ स्पीति रिवर का ब्लैकिश कलर और सतलज रिवर का लाइट एलोइस कलर देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। और वहाँ से फिर हमारा सफ़र नाको के लिए आगे बढ़ा। नाको के बाद गिव विलेज जाता है, जहाँ पर भारत का एक मेव ऐसा ममी हम लोगों ने देखा जो सेल्फ ममीफिकेशन किया था उस संत ने। तो वहाँ गिव विलेज के बाद फिर हम लोग नाको में नाइट स्टे किए, और वहाँ नाको में नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन हम लोगों ने वहाँ के मोनेस्ट्री को विजिट किया। इसके बाद फिर हमारा सफ़र वहाँ से पिन वैली, पिन नेशनल पार्क, मूद विलेज को एक्सप्लोर करते हुए काजा में जाके समाप्त हुआ। काजा से फिर हम लोगों ने नाइट स्टे के बाद अगले दिन हम लोगों ने हिक्किम विलेज, की मोनेस्ट्री, साथ ही साथ कॉमिक विलेज, लांगजा विलेज, इस तरह जितने विलेज वहाँ के आसपास थे उसका हम लोगों ने विजिट किया। और कॉमिक विलेज वर्ल्ड का हाईएस्ट सी लेवल से विलेज है, वो वर्ल्ड का उसको दर्जा प्राप्त है। और इस तरह से करते हुए हम लोगों ने फिर काजा मार्केट को एक्सप्लोर किया, और काजा मार्केट में एक स्वीट शॉप है, वहाँ पे वो जलेबी जो है बनाना सिखाते भी हैं, और ये कहते हैं कि आप अपने हाथ से जलेबी बनाइए और वही जलेबी हम आपको खाने में भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखिए जलेबी बनाना उन्होंने सिखाया, और हम लोग यहाँ पर जलेबी बना भी रहे हैं, और यही बने हुए जलेबी का स्वाद भी हम लोगों ने लिया, और अपने हाथ के बने हुए जलेबी का स्वाद 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, भले ही टेस्ट चाहे जैसा भी हो, लेकिन स्वयं का बनाया हुआ जलेबी और स्वयं के हाथ से बनाए जलेबी का स्वाद क्या कहना। तो इस तरह से हम लोगों ने काजा मार्केट को ढंग से एक्सप्लोर किया, और काजा में भी एक मोनेस्ट्री है, उस मोनेस्ट्री को जिसका नाम है साक्या मोनेस्ट्री, तो साक्या मोनेस्ट्री भी हम लोगों ने वहाँ पे एक्सप्लोर किया। और एक ऊंची चोटी पर कुछ मोनेस्ट्री जैसा था, हमने एक्सप्लोर करने का प्रयास तो किया, लेकिन चूँकि हाई लेवल एटीट्यूड होने के कारण सांस बहुत फूलती है, और लगभग 40-50 सीढ़ियाँ और रह गई थी, लेकिन हम लोग वहाँ तक न पहुँच पाने के कारण फिर ऊपर चोटी तक हम लोग नहीं जा पाए, जाने का प्रयास ज़रूर किया गया था। तो इस तरह से फिर हमारा काजा का सफ़र आगे बढ़ा, और यहाँ से हम लोग चंद्रताल के लिए नेक्स्ट डे आगे चल पड़े। और चंद्रताल का रास्ता तो क्या कहना, चंद्रताल के रास्ते में लोसर विलेज पड़ेगा, जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ये चंद्रताल जाने के रास्ते में ये पहाड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे, और इन्हीं पहाड़ियों के बाद अगला स्पॉट हमारा आता है लोसर विलेज। लोसर विलेज में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट आलू पराठे दाल और दही का किया, और इसके बाद हमारा सफ़र इस ब्रेकफास्ट के बाद उस जगह पर पहुंचता है जिसका नाम है कुंजुम पास। कुंजुम पास एक ऐसी जगह है जिसे स्पीति और लाहौल दो घाटियों को जोड़ने का काम कुंजुम पास करता है। यानी कि कुंजुम पास एक ऐसी जगह है जो
लाहौल और स्पीति घाटी को आपस में जोड़ती है। और वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग आगे जब पढ़े तो क्या देखते हैं कि हमारा सफ़र 3 किलोमीटर जब चंद्रताल रह जाता है तो रास्ते में एक ट्रेवलर बीच रास्ते में फंस गई और ना कोई इधर जा पा रहा है ना कोई उधर जा पा रहा है। और ये जो खड्ड देख रहे हैं ये चंद्रताल का ही जल है जो आगे जाके स्पीति रिवर में मिलती है। फिलहाल मजबूरी में जब सफ़र हम लोग आगे नहीं कर पाए तो हम लोगों ने चंद्रताल जाना कैंसिल कर दिया और फिर वहाँ से आगे आए और चाचा चाची ढाबे में बैठकर फिर कुछ लाइट रिफ्रेशमेंट, कुछ लोगों ने यहाँ पर लंच भी किया हमारे बीच में और कुछ ठंडा भी पिया गया। ये एकलौता रेस्टोरेंट है जो चंद्रताल जाने के रास्ते में पड़ता है। चंद्रताल से निकलने वाले जल को चंद्र रिवर और यही चंद्र रिवर उधर से आने वाली एक रिवर है उसका नाम है भागा। ये चाचा चाची ढाबा के पास ये दोनों रिवर मिलते हैं और यहाँ से चंद्रभागा नदी के नाम पर ये आगे बढ़ती हैं। और चाचा चाची ढाबा में हम लोगों ने लंच लिया, कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी पिए और यहाँ के सैलानियों से हम लोगों ने आपस में बातचीत की और चंद्रताल ये लोग होके आ चुके थे तो इनके शेयर भी हम लोगों ने इनके यात्रा वृत्तांत के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिए। तो इस तरह से ये हमारा सफ़र आगे बढ़ता रहा। एक माइनस पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा सफ़र लैंड स्लाइड का है। यहाँ लैंड स्लाइड बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से जून जुलाई अगस्त और 15 सितंबर तक यात्रा कतई न करें। ये यहाँ के यात्रा का एक माइनस पॉइंट है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए, अन्यथा लैंडस्लाइड होने की स्थिति में आपकी जर्नी या तो ब्रेक हो जाएगी या आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो बहुत बेहतर यही है कि जून जुलाई अगस्त और 15 सितंबर तक यहाँ की यात्रा कृपया न करें, ये एक माइनस पॉइंट है। बाकी आपकी यात्रा बिल्कुल मंगलमय हो, शुभ हो, इन्हीं आशा के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और मनाली मणिकरण और मंडी होते हुए शिमला में हमने अपने जर्नी को समाप्त कर दिया। समरी एपिसोड में आप सभी ने बराबर से हमारा साथ दिया और पूरे टूर में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए पहले तो हम आपके बड़े आभारी हैं और आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आप अपना कीमती समय हमारे इस ब्लॉग को देखने में लगाते हैं। और अगला ट्रिप कोडैकनाल का हम लोग करने वाले हैं तो आप सभी से अपेक्षा है कि आप हमारे कोडैकनाल के ट्रिप का भी पूरा आनंद लेंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ ये एपिसोड अब समाप्त करते हैं और कोडैकनाल में फिर आप से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।